विधायक जी आज यहाँ पर आए धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या पूरी मांगे आपकी, क्या किस कारण धरना दिया जा रहा है? बात यह है कि जो सदन की मीटिंग में, नगर निगम की सदन की मीटिंग में जो नंगा नाच किया है इन्होंने, अंदर सदर के सदन में भी इनके साथ मारपीट की और सदन के बाहर सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, वीडियो वायरल है, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अनुसूचित जाति का नाम ले लेके जाति सूचक शब्दों के साथ इनके साथ मारपीट की है, सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर कीर्ति घोपला जी खड़े हैं। एक आदमी जो आशीष था उसको नजरबंद कर रखा है, उसका ये नहीं पता कहाँ है, उसे आने नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है, हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो नेम्ड है, जिनको कीर्ति घोपला की तहरीर पर नेम्ड किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। और आए दिन दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके इनके सरकार के मंत्रियों के द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा, आरएसएस के लोगों के द्वारा इनको रोका जाए, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आज हमारा समाज पूरे जिले का पूरी तरीके से यहाँ पर इकट्ठा है और सिर्फ अपना रोष जाहिर करने के लिए कीर्ति घोपला को और आशीष को दौड़ा दौड़ा कर जो पीटा, सबके लोगों में, मतलब उनके, हमारे परिवार के तमाम लोग, क्योंकि सब पूरा परिवार है, सबके रोंगटे खड़े, किस तरीके से मारा इन लोगों ने, सबका कलेजा फटा हुआ है, किस मतलब इस तरीके से मारा पीटा नहीं जाता, ये तो लोकतांत्रिक की हत्या है। इस समय कोई किसी तरीके का ना कानून व्यवस्था है ना कुछ है, बिना मतलब में ये लोग हमारे समाज पे जहाँ भी होता दलित समाज पिटता है, क्या है कुछ भी हो, क्या इंदू शेखर का मामला हो और चाहे क्या नाम है, कोई भी मामला हो, पिटेगा, मरेगा, कटेगा दलित, इन पे अत्याचार जुलुम को रोकना पड़ेगा। आज ये तमाम समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, एप्लीकेशन में एक गोड़ हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर जाएगा, मुस्लिम पार्षदों के साथ में इनके एप्लीकेशन दी गई बीजेपी वालों ने, क्या कहना है इसमें? ये बीजेपी वाले इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, इसे हिंदू मुस्लिम का रूप देना चाहते हैं, कभी वे हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करते हैं, उनके खिलाफ तहरीर दी है उन्होंने, और जब आदमी डर जाता है, घबरा जाता है, तो तब घर में अंदर घुस के महिला को आगे कर देता है, तो इन्होंने महिलाओं को आगे, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी, हमारे समाज के लोग, तमाम लोग महिला का सम्मान करते हैं और उस महिला का भी सम्मान है जिसको लेके इन्होंने आगे राजनीति कर रहे हैं ये, लेकिन ये राजनीति चलने वाली नहीं है, समाज जाग चुका है और हम तो ये कहना चाहते हैं कि अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे, अब दुनिया को जगा के दम लेंगे और बताएंगे इनकी करतूत कि ढोंग रचते हैं दलितों पे, दलितों के साथ खड़े होने का, ये दलितों पे अत्याचार करते हैं, जुलुम करते हैं, इस जुलुम को रोकना पड़ेगा। तमाम लोग ज्ञापन हम डीएम साहब के यहाँ देना है, डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देंगे हम लोग सब, और जो उत्पीड़न हुआ है, जो मारपीट हुई है, जो इस तरीके का नंगा नाच सड़कों पे हुआ है और मंत्री और विधायक के द्वारा, इसको रोकने के लिए, इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ये ज्ञापन देंगे।